डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 13 दिसंबर 2018, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न देखो, कल की क्विज के जो तीन प्रश्न थे उनके उत्तर आपको दे रही हूँ। पहला था कि कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, तो ये भारत का पहला राज्य है, केरल। दूसरा प्रश्न था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, 1887 में। 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ये जो जनगणना थी ओवरऑल तो 15वीं थी और 7वीं थी जो कि आज़ादी के बाद। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर, इसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में भारतीय रेलवे आईआर ने मोबाइल फ़ोन या वेब के माध्यम से यात्रियों को शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है। उत्तर क्या है इसका, उत्तर है रेल मदद। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर जो है वो बी है, भारतीय रेल ने शुरुआत की है रेल मदद की। ये मोबाइल ऐप है जो पैसेंजर्स की यात्रियों की मदद करेगा ताकि उनकी जो भी शिकायतें वगैरह हैं उसको वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर वेब के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। साथ ही साथ उनको फीडबैक वगैरह भी दिया जाएगा और उनकी शिकायत का क्या एग्जैक्ट स्टेटस है, वो कहाँ तक पहुँची, ये सब कुछ भी बताया जाएगा। और ये डिजिटल पहल इसलिए की गई है ताकि पैसेंजर्स की जो शिकायतें वगैरह होती हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराया जा सके, और अगर कोई भी शिकायतकर्ता पैसेंजर है तो उसको एक इंस्टेंट आईडी दी जाएगी जो एसएमएस के माध्यम से वो रिसीव करेगा, और उसके बाद उसको एक कस्टमाइज्ड एसएमएस वगैरह ये सब भी भेजा जाएगा। तो ये जानकारी थी प्रश्न 1 के बारे में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, इंडियन रेलवे लॉन्चेज रेल मदद ऐप, ओके, और ये इसलिए ताकि पैसेंजर्स की जो शिकायत है उसको रिड्रेस किया जा सके। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, आपको बताना है कि पद्मश्री इतिहासकार और पूर्व जामिया के कुलपति का नाम, जिनका हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम है मिशरूल हसन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो 10 दिसंबर 2018 को ये जाने माने इतिहासकार जो थे और साथ ही ये वाइस चांसलर भी रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के, इनका निधन हो गया। 71 ईयर्स के थे ये, प्रो वाइस चांसलर भी रहे जामिया के 1992 से 1996 तक, फिर आगे जाकर वाइस चांसलर बने 2004 से 2009 तक। साथ ही साथ ये डायरेक्टर जनरल भी रहे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के, ओके, और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में ये वाइस चेयरमैन रहे। जैसा कि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि इनको पद्मश्री से नवाजा गया, तो साल 2007 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। यहाँ पर मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, इनका हाल ही में निधन हुआ। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मुशरील हसन जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस फील्ड से थे, तो याद रखना ये इतिहासकार थे। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, हाल ही में आरबीआई ने साइबर सुरक्षा मापदंडों को का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है पेनल्टी के रूप में। ये लगाया गया है इंडियन बैंक पर, भारतीय बैंक, इंडियन बैंक, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया इंडियन बैंक का, क्योंकि उन्होंने जो साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं उनका उल्लंघन किया, ओके, इसलिए ये पेनल्टी उन पर लगाई गई है, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्शंस थे फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन वगैरह पर, इन्होंने इसका उल्लंघन किया। इंडियन बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और टैगलाइन है योर ओन बैंक, और एमडी और सीईओ कौन है, पद्मजा चुंद्रू, ये इसकी एमडी एंड सीईओ है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर, चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला संसदीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, क्वेश्चन नंबर 4। ये पुरस्कार जो मिला है ये डीएमके की एमपी को मिला है, तो आंसर जो है हमारा कनिमोई, ओके, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर ए है, द्रविड़ा मुंटेरा कजागम, यानी कि डीएमके की जो एमपी हैं कनिमोई, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, इनको बेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन राज्यसभा, ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा, और पुरस्कार देंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, और ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इनको दिया जाएगा,
और इनका जो योगदान है कंट्रीब्यूशन इन पार्लियामेंट और स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज ओके उनके लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। आपको मैं इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ देखिए आपको इनकी तस्वीर जो है वो नजर आएगी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस साल के अभ्यारण्य वन जीव सेवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है इमरान सिद्दीकी को। आंसर क्या है इसका? आंसर है इमरान सिद्दीकी। ठीक है, ये हैदराबाद बेस्ड कंजर्वेशनिस्ट है इमरान सिद्दीकी, इनको ऑनर किया जा रहा है। इस वर्ष का सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड इनको दिया जा रहा है। ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सिद्दीकी जो है ये असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं फॉर कंजर्वेशन साइंस एट WCS इंडिया ओके, और ये मॉनिटर करते हैं वहाँ पर टाइगर्स को 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में, जिसमें नागार्जुन सागर, सरिसेलम, अमराबाद, कवल टाइगर रिजर्व और ये सारे का सारा आता है। तो मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको इमरान सिद्दीकी की, तस्वीरें देखने से आपको याद रखने में आसानी होती है, ये है इमरान सिद्दीकी। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शहर खेलो इंडिया युवा खेल 2019 की मेजबानी करेगा। तो होस्ट सिटी क्या होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के लिए? आंसर है इसका पुणे। पुणे जो है वो होस्ट सिटी होगा। अब खेलो इंडिया क्या है ये सारी बातें आपको बताती हूँ। पुणे जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के जो है वो पुणे में होंगे। ये दूसरे वाले खेल हैं, ठीक है, और ये जो गेम्स हैं इन्होंने अपना इस बार विस्तार भी बड़ा किया है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें कम्पीट करेंगे। दो कैटेगरीज होंगी, एक 17 वर्ष से नीचे और एक 21 वर्ष से नीचे। साथ ही साथ इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी कम्पीट करने की परमिशन दे दी गई है। 2019 में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें भाग लेने वाले हैं वो पिछली बार की तुलना में ऑलमोस्ट 3 गुने हो जाएंगे। पिछली बार केवल करीबन 3500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इस बार 9000 से ज़्यादा खिलाड़ी हो जाएंगे। और पिछली बार जो गेम्स थे वो 2018 में हुए थे, इस बार वाले कब होंगे? ये होंगे जनवरी 2019 में, 9 जनवरी 2019 से ये शुरू होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ खेलो इंडिया के बारे में। तस्वीर देख लो, तस्वीर देखोगे तो आपको याद रहेगा। ये देखिए क्लियरली लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे पुणे में 9 जनवरी 2019 से। ये हर साल होते हैं ओके, पहले जो हैं 31 जनवरी 2018 को हुए थे। ये नेशनल लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुत सारे गेम्स होते हैं इसमें, और 17 साल से नीचे जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए आयोजित कराए जाते हैं। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ 1000 खिलाड़ी होते हैं उनको चुना जाता है और उनको सालाना 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 8 वर्षों के लिए, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर सके अपने खेल में, ठीक है। तो पिछली बार हरियाणा सबसे ऊपर था, हरियाणा को कुल 102 मेडल मिले थे जिसमें 38 गोल्ड, 26 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज थे और वो सबसे ऊपर वाली टीम था, और सेकंड पोजीशन पर था महाराष्ट्र। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब आपको ले आती हूँ अगले प्रश्न पर, 7वां प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पेश करने की घोषणा की है। एग्जाम में जो चीटिंग होती है बोर्ड एग्जाम में, उसकी बात यहाँ हो रही है। आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और इसका एक 4-स्टेप प्रोसेस होगा, और जितने भी वो जगह थी वो सेंटर्स से जहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में चीटिंग की शिकायत ज़्यादा थी वहाँ पर इसको ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू होगी 7 फरवरी 2019 से, और यूपी सरकार का पूरा प्रयास है कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं परीक्षाओं वगैरह में उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो इस साल जो है करीबन 58 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए खुद को रजिस्टर किया है। मैप में मैं आपको यूपी दिखाती हूँ, ये देखिए आपको मैप में नज़र आएगा, ये जो लाल रंग में आपको नज़र आ रहा है ये उत्तर प्रदेश है। राजधानी लखनऊ, टोटल जिले 75, गवर्नर राम नायक, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। और एरिया क्या है इसका रैंक में? एरिया 4th लार्जेस्ट स्टेट है ये साइज में, पॉपुलेशन में तो नंबर 1 है। लोकसभा में टोटल 80 सीटें हैं मैक्सिमम और राज्यसभा में 31।
कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला जा रहा है, आप मुझे लिखकर बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या होने वाला है। ठीक है, इस राज्य में आगरा का जो किला है और फतेहपुर सीकरी जो है और साथ ही साथ ताजमहल वगैरह जो है ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स पर आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है ये फोर्थ ओल्डेस्ट हाईकोर्ट है हमारे कंट्री में। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, बाद में इसका नाम बदला और ये उत्तर प्रदेश हो गया। हमारे बहुत सारे हिंदी के जाने माने राइटर जैसे प्रेमचंद हैं, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण शर्मा, वो सभी के सभी उत्तर प्रदेश से हुए। और उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, वो है कथक। तो ये थी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला प्रश्न, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और हाल ही में मुंबई में अनावृत की गई किताब काउंसिल द चैलेंज ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है अरविंद सुब्रमण्यन। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर है हमारा अरविंद सुब्रमण्यन। इनकी ये पुस्तक है और इन्होंने काफ़ी सारी इसमें जानकारी दी है क्योंकि ये CEA रहे थे 2014 से 2018 तक और रघुराम राजन के बाद ये इन्होंने काफ़ी सारा कार्यभार संभाला था। तो ये थी जानकारी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, अंतिम दो प्रश्नों पर आ गए हैं, प्रश्न 9 और 10। यहाँ आपसे प्रश्न 9 में पूछा गया है, पूर्व केरल मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता हैं, इनका नाम क्या है? इनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर है हमारा CN बालकृष्णन। CN बालकृष्णन जी का हाल ही में निधन हुआ है। ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे 87 ईयर्स में, इनका कोच्चि में निधन हुआ और वहाँ पर जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांग्रेस कमेटी है वहाँ पर ये प्रेसिडेंट रहे 17 वर्षों के लिए। पर केरल का नाम देखकर मुझे याद आता है कि केरल में 4 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, राइट। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे उन चारों जगहों का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए जहाँ पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं। ठीक है, मुझे वो राज्य भी बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं जो फंक्शनल स्टेज में हैं, और मुझे वो राज्य भी बताओ जहाँ पर एयरपोर्ट्स की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ये सब आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। 10वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक्तिकांता दास। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर जो है सी है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि RBI के जो गवर्नर थे उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का भी आप मुझे नाम लिखकर बताइए और ये जो नए आए हैं इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये सदस्य रहे 15th फाइनेंस कमीशन के और फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ये बन रहे हैं RBI के 25वें गवर्नर। किसको इन्होंने सक्सीड किया आप उसका नाम बताइए। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं और इनको 3 वर्षों के लिए अपॉइंट किया गया है। इनकी तस्वीर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ये है इनकी तस्वीर। ठीक है, चलो चलते हैं आगे और अब मैं आपको ले आई हूँ स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके में यहाँ देखिए, स्टैटिक जीके में हम कर रहे थे 2011 भारत की जनगणना के बारे में। 2011 की जो जनगणना है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि बायोमेट्रिक जानकारी ली गई। बायोमेट्रिक का मतलब होता है आपकी आंखों के बारे में, आपकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह के बारे में, वो सभी जो आपके आधार कार्ड में भी है। 2011 में भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा के साथ वाले क्षेत्रों में पहली बार संयुक्त जनगणना की आयोजित की थी। 2011 की जनगणना में पहली बार जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी आबादी की भी गणना की गई थी और 2011 में हर 1000 पुरुषों के लिए आबादी का जो कुल लिंग अनुपात था वो था 943 फीमेल्स। तो अब मैं आपको ले आती हूँ अब आज की क्विज पर। क्विज देखो, वो कौन सा शहर है जो खेलो इंडिया युवा खेल 2019 की मेजबानी करेगा? इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है और जनगणना 2011 में किसकी संख्या में कमी आई है? कौन सा वो राज्य है, आपको वो इकलौता राज्य बताना है जहाँ पर जनसंख्या में कमी आई है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो के दौरान भी जो मैंने प्रश्न पूछे उनके आंसर्स आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है।
होता है। वीडियो बढ़िया लगा लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ ये बिल्कुल सही टाइम है हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने का, क्योंकि 15 तारीख तक आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, 50% डिस्काउंट। सो ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, आपसे मुलाकात होगी कल, बाय बाय।